हेलो एवरीवन, दिस इज़ द वीडियो ऑफ क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। आई होप दैट यू हैव मस्ट सीन माय लास्ट वीडियो। दिस इज़ द वीडियो फॉर डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ द नंबर। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 10 मींस वो कौन से नंबर होते हैं जो 10 से डिविजिबल होते हैं। जिन नंबर्स के एंड में ज़ीरो होता है वो नंबर 10 से डिविजिबल होते हैं। जैसे कि आप 10 की टेबल भी देखते हैं तो 10, 20, 30 इस तरह के नंबर आते हैं। इट मींस जिसके पीछे ज़ीरो आता है वो नंबर 10 से डिविजिबल होते हैं। नाउ सेकंड टॉपिक इज़ डिविजिबिलिटी बाय 5। तो जिन नंबर के एंड में ज़ीरो या 5 आता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। डिविजिबल बाय 2, अगर नंबर्स के एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल 120 के पीछे की डिजिट 0 है, 372 के पीछे का डिजिट 2 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। और जो नंबर 1, 3, 5, 7, 9 से एंड होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, कौन से नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं। तो किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। लुक एट दी एग्जाम्पल ऑफ योर बुक। फर्स्ट नंबर में लास्ट 2 डिजिट हैं 36। 36 4 की टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इन सेकेंड एग्जाम्पल लास्ट डिजिट इज 82। 82 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 8, अगर किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हों तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट है 78056, तो लास्ट के 3 डिजिट हैं 056, इट मींस 56। 56 इज़ डिविजिबल बाय 8, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। नाउ डिविजिबल बाय 3, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम जितने भी डिजिट्स होते हैं उनका टोटल निकालते हैं। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। लुक एट दी एग्जांपल फर्स्ट 754206 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 24। 24 3 की टेबल से डिविजिबल है, इट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सेम रूल इन डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 में भी हम सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है। एग्जांपल फर्स्ट द डिजिट्स आर 6732018, जिसका टोटल होगा 27, एंड 27 इज़ डिविजिबल बाय 9, सो दिस नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इसके ऑड प्लेसेस के नंबर को ऐड करते हैं और इवन प्लेसेस पे लिखे हुए नंबर को ऐड करते हैं और फिर इनका डिफरेंस निकालते हैं। अगर इसका डिफरेंस 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट इज़ 573243, इसमें ऑड प्लेसेस के नंबर हैं 327, जिसका टोटल है 12, एंड इवन प्लेसेस के नंबर हैं 435, जिसका टोटल है 12, और इन दोनों का डिफरेंस है 0, इट मींस दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 0। नाउ विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7 इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ नंबर इन अल्टरनेट ब्लॉक्स ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज़ डिविजिबल बाय 7। एग्जाम्पल फर्स्ट में नंबर है 4753291272, इसके हम 3-3 के ब्लॉक्स बनाएंगे और उनको ऐड करेंगे। ब्लॉक्स का डिफरेंस आ रहा है 154, जो कि 7 से डिविजिबल है, इट मींस ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3, सो इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 6। एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट पार्ट द डिजिट इज़ 53022, सो फर्स्ट वी चेक दैट दिस इज़ डिविजिबल विद 2 और नॉट, सो द लास्ट डिजिट इज़ 2, इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 2। नाउ वी फाइंड देयर सम ऑफ डिजिट्स, सो द सम ऑफ डिजिट इज़ 12, इट मीन्स इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3, सो दिस इज़ डिविजिबल बाय 6। एक्सरसाइज 3.2,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमको बताना है कि कौन से नंबर 5 और 10 से डिविजिबल है। जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, और जिन नंबर के लास्ट में 0 होता है वो नंबर 5 और 10 दोनों से डिविजिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको बताना है कि कौन से नंबर 2, 4 और 8 से डिविजिबल है। सो द फर्स्ट पार्ट इज 54014। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज लास्ट डिजिट इज 4। अब 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इसके लास्ट टू डिजिट देखेंगे। लास्ट टू डिजिट इज 14, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। एंड इट्स लास्ट थ्री डिजिट्स आर 014, इट मींस 14, सो इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8। सिमिलरली वी सॉल्व द अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी हैव टू फाइंड दैट विच नंबर्स आर डिविजिबल विद 3 एंड 9। सो फर्स्ट पार्ट इज 7341। So we find the sum of digit. The sum of digit 15, so it is divisible by 3 but not divisible by 9. With the same pattern we solve other questions. Now question number 4, we have to find the number is divisible by 11 or not. So we add the odd place number and even place number and their difference is 11, so this number is divisible by 11. Question number 5, we have to find that this number 6 or not. If the number is divisible by 2 and 3, so it is also divisible by 6. Here first part is 93573, the last digit is 3, it is not divisible by 2, so it is also not divisible by 6. Second part is 217944, last digit is 4, so it is divisible by 2. And the sum of digit is 27, so it is divisible by 3, so this number is also divisible by 6. By this method you can solve other questions. Now question number 6, इसमें हमें star की जगह पे कौन सा digit आएगा वो बताना है, and this number is divisible by 9. So we know that the sum of digit is divisible by 9, so whole number is divisible by 9. तो हम इसमें add करेंगे तो आएगा 22, और 9 से डिविजिबल होने के लिए होना चाहिए 27, तो 27 और 22 का डिफरेंस होगा 5, इट मींस स्टार की जगह पर डिजिट आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें स्टार की जगह पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है, एंड दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, सो इसका सम ऑफ डिजिट होगा 19, और 19 3 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, सो इसको 21 बनाने के लिए 2 नंबर्स कम हैं, तो जो स्मॉलर डिजिट होगा वो होगा 2। एंड ग्रेटेस्ट डिजिट फाइंड करने के लिए 19 प्लस 8 27, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3, तो आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी सेम पैटर्न से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में डिजिट 6 से डिविजिबल है, तो हमें स्टार प्लेस करना है कि वहाँ पर कौन सा नंबर होगा, और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बताना। सो ये नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा, तो हम इसका सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे 19, तो 19 में 2 ऐड करने पे 21 आता है, तो फर्स्ट आंसर इसका 3 होगा, और ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए 8 से प्लस करेंगे तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर 8 होगा। ऐसे ही हम 9 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है कि कौन से नंबर प्राइम नंबर है। 101 किसी भी और नंबर की टेबल में नहीं आता है, तो ये प्राइम नंबर है। 251 भी एक प्राइम नंबर है। द थर्ड पार्ट इज 323, और 323 17 की टेबल में 19 की टेबल में आता है, सो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताना है कि 372645 इज़ डिविजिबल बाय 45 और नॉट। तो 45 के फैक्टर्स होते हैं 5 एंड 9। अगर ये नंबर 5 और 9 से डिविजिबल होगा तो 45 से भी डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट 5 है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 5, एंड सम ऑफ डिजिट 27 है विच इज़ डिविजिबल बाय 9, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 45। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, बाय वॉट अदर नंबर विल दैट द नंबर डिविजिबल। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो और कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, वो अपने फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा, सो वो नंबर 1, 2, 3, 4, 6 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अगर कोई नंबर 3 और 8 दोनों से डिविजिबल है तो वो और किससे डिविजिबल होगा, तो हम 3 और 8 का मल्टीपल्स निकालेंगे 24, तो वो नंबर 1, 2, 4, 6, 12 एंड 24 से डिविजिबल होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 में ट्रू एंड फॉल्स हैं, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। आप इनको रीड करके बुक में ही पेंसिल से ट्रू और फॉल्स मार्क करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी। काइंडली सबमिट योर होमवर्क विद इन 1 वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।